हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल के दिन में आपने यहाँ पर दो वीडियो डाली थी अगर आपने यहाँ पर दो वीडियो देखी होगी तो देखिए इन पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है इनमें कुछ ही परसेंट की यहाँ पर गिरावट हुई थी दिखाई दी बल्कि एक स्टॉक्स यहाँ पर आर सिस्टम इंटरनेशनल तेरह परसेंट आज भागते हुए भी दिखाई दिया तो हमने किस बेस पे यहाँ पर स्टॉक्स को बताया था उससे यहाँ पर देख सकते हैं एज वेल एज बात करें अः यहाँ पर तो परसों की डेटे हमने हमने यहाँ पर बताया था कि मार्केट में एक न्यूज चल रही है लॉकडाउन से रिलेटेड और लॉकडाउन किसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से ओके okay, तो यहाँ पर मार्केट में क्रैश आ सकता है तो और यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक्स से रिलेटेड हमने यहाँ पर रिव्यू भी करके देखा था तो इसकी तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं ओके okay, इस वीडियो को जाके देख लीजिए और आज की जो वीडियो है वो भी यहाँ पर क्रैश से रिलेटेड ही है क्रैश क्यों आया है एज वेल एज यहाँ पर कितना मार्केट गिर सकता है उससे रिलेटेड और कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए उसके रिलेटेड एक आइडिया दूंगा और अगले वीडियो में कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने एग्जैक्टली exactly. उस पर्टिकुलर अगर बात करें सेक्टर की तो उससे रिलेटेड हम आइडिया लेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें जितना हो सके सपोर्ट करें और एक बात यहाँ सब्सक्राइब जरूर किया करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो और नई नहीं है तो, तो लाइक जरूर किया करें

कितने सोलह सौ सत्तासी पॉइंट की गिरावट होती हुई दिखाई दी है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैश एज यहाँ पर देखे तो ये थर्टी के आर पे बी आता हुआ दिखाई दिया सेंसेक्स जिसे हम कहते हैं एज वेल एज हम बात करें निफ्टी निफ्टिफ्टी की तो निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ पर थर्टी वन के आर पे आ गया तो यहाँ पर से क्या एग्जैक्टली आउटलुक होना चाहिए क्या एग्जैक्टली हो सकता है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट सबसे पहले जान लेते हैं ये हुआ क्यों है तो देखिए परसों की डेट में जब वीडियो बताई थी आपको बताया था कि लॉकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो अगेन मैं वही चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए एज वेल एज फाइव हंड्रेड पॉइंट यहाँ पर ये चीजें गिरती हुई दिखाई दी है उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कोविड तो यहाँ पर कोविड का अगर आप देखेंगे न्यू वेरियंट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और न्यू वेरिएंट आने की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है लोगों को यहाँ पर दोबारा डर लगने लग गया है और वो यहाँ पर पैसा यहाँ पर निकाल के मार्केट से एज वेल जब मार्केट दोबारा यहाँ पर सोच रहे कि एक बार अच्छा खासा जब ये क्रैश आएगा जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम था हुआ दिखाई दिया था अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो क्रैश आता हुआ दिखाई दिया था कि एक साथ यहाँ पर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया तो ऐसा क्रैश आएगा उसके बाद यहाँ पर चीजें खरीदते हुए दिखाई दिखाई देंगे तो ऐसा कुछ लोगों का प्लान चल रहा है ओके पर 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 बड़े बड़े लोग इस तरीके से पैसा पर निकालते हुए दे रहे हैं और पर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है तो एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पर व्यू लेते हुए दिखाई देंगे सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ पर सपोर्ट क्या नजर आते हैं एज वेल एज किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े तो आप एक बार इस हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो हम अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए कोविड की न्यूज़ तो ऑलरेडी यहाँ पर फैली हुई थी आपको पता ही है यहाँ पर बार बार यहाँ पर बताया भी गया था आपको बार बार हम बता भी रहे थे कि कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा कुछ सेक्टर पे जिसके स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए दिखाई देंगे लास्ट कोविड के आपने क्या सीखा उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है कि आई टी एज वेल एज हमें फोकस रखना है फार्मा पे एज वेल एज हमें स्पेशलिटी केमिकल्स पे यहाँ पर फोकस रखना है और जितने भी आपके स्टॉक्स है यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं होगी सिंपल सी बात है अगर मार्केट गिर रही है पैसा है तो सिंपल बायोडिप्स करिएगा अगर नहीं है तो चुपचाप यहाँ पर बैठिएगा क्योंकि ये जो गिरावट होती है ये टेम्परेली होती है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये गिरावट कितने कब थी फेब में यहाँ पर हुई थी

Uh, यहाँ पर इंडियन वैक इंडियन वैक्सीनेशन Uh, यहाँ पर आपको पता चलेगी फॉर कोविड तो आपको पता चलेगी कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगता हुआ दिखाई दिया है तो लगभग 120 करोड़ लोगों को यहाँ पर देखिए डोजेज यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए फुल्ली वैक्सीनेटेड यहाँ पर अगर बात करें दो डोजेज 42.2 करोड़ लोगों को यहाँ पर होता हुआ हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है इंडिया में वैक्सीनेशन हो गया है एज वेल एज लोग यहाँ पर प्रिकॉशन भी ले रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर प्रिकॉशन लेकर चलिए मीन्स यहाँ पर जब भी बाहर निकले तो मास्क को जरूर लगा के चलिए अब बात करते हैं आप पर सपोर्ट की तो सपोर्ट मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर वीडियो में बताया था बार बार आपको फिर दोबारा यहाँ पर एक बार बता देते हैं कि देखिए अगर मार्केट आ, मंडे को यहाँ से निकल गई तो ऊपर की तरफ तो अच्छी बात है वरना यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है ओके okay, जो कि यहाँ पर, पर एक टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला जो अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग ये जो टारगेट है थोड़ा बहुत तो और मार्केट गिर सकता है तीन सौ पॉइंट फिर इसके बाद अगर दूसरे पॉविट पॉइंट्स की बात करें तो सोलह हजार दो सौ का टारगेट आ रहा है फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सोलह हजार का भी टारगेट नजर आ रहा है तो यहाँ तक मार्केट गिर सकती है तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है ओके अगर क्योंकि जब बड़े लोग यहाँ पर पैसा निकालना शुरू करते हैं तो वो लगातार यहाँ पर निकालते रहते

रेडिएशन हो सकता है उसके बाद चीजें निकलेगी तो ऊपर की तरफ निकलेगी दोबारा और इसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी से काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है इसके अलावा सपोर्ट की बात करें तो यही सपोर्ट देखिए यहाँ पर पहले भी बनते हुए नजर आए थे बट कभी कभी ये सपोर्ट फेल भी हो जाते हैं ओके काफी लोग यहाँ पर आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कहना नहीं है बट स्टिल यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये यह सपोर्ट माने जाते हैं सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से नीचे नीचे नहीं जाएगी इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर करके चलना है कि यहाँ पर से अगर चीटें आएगी तो यहाँ से शायद नीचे आके रिवर्स हो जाए इसके बाद अगर फिर भी जब यहाँ पर सब चीटें गिरेगी तो याद रखिएगा जब पूरी मार्केट गिरेगी तो फिर सपोर्ट अलग अलग चेंज होते रह जाते हैं फिर ये जो प्राइवेट पॉइंट होते हैं ना जो यहाँ पर हम ब, बना के चलते हैं ये सारे के सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं तो इसके तरीके से यहाँ पर आप आ, एक आइडिया लगा सकते हैं कि, कि किस तरीके से एग्जैक्टली चीज़ें चलती हुई दिखाई देगी निफ्टी बैंक की बात करें टू हंड्रेड डी एम एज वेल एज यहाँ पर छब्बीस के आर एस आई पे आ गई है मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा यहाँ पर गिरना चाहिए चीज़ें यहाँ से रिब कबर होकर ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए तो यहाँ पर इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दीजिएगा इसके अलावा हम बात करें और भी चीजों की तो देखिए निफ्टी मेटल की बात करें निफ्टी मेटल में कंट्री से कम्युनिटी है और क्यों? क्यों? यूरोप की कंट्री में ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती चीजें दिखाई देती है तो यहां पर थोड़ा इफेक्ट ज्यादा पड़ सकता है बट उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके जो नंबर थे वो बेमिसाल थे इनकी जो बॉरिंग थी वो बहुत ज्यादा घटती हुई दिखाई दी थी चाहे सेल देख लीजिए टाटा मेटल देख लीजिए हिंडाल

मार्केट गिरता है तो एक और सेक्टर यहाँ पर नजर आता है जहां पर लोग पैसा लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं तो तो वो है है सेक्टर FMCG में देखेंगे तो देखिए कुछ स्टॉक्स स्टॉक्स जो दिग्गज उनमें ना के बराबर गिरावट थी बिल्कुल भी वो एक, एक परसेंट भी नहीं गिरता हुए, दिखाई दिए थे वो अगले वीडियो में बात करेंगे तब हम बात करेंगे बट यहाँ पर देखे तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है चीजें तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है यहाँ पर कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो गया अच्छी खासी गिरावट हो गई है एफ सेक्टर में अब चीजें दस से पंद्रह परसेंट देखिए यहाँ पर पैसा ज्यादा नहीं बनेगा बट सेफ और यहाँ पर अच्छा पैसा मतलब पंद्रह से बीस परसेंट का यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है अगले तीन महीने के अंदर अंदर तो अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर गिरी हुई है उन्हें यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं तो ये कुछ पर्टिकुलर अगर हम बात करें सेक्टर थे इनकी तरफ ध्यान दीजिए और जो अच्छे खासे चले गए उनमें एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है निफ्टी हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दीजिए ओके वो भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है इसके अलावा यही पर्टिकुलर दो तीन सेक्टर है निफ्टी आई की बात कर लेते हैं निफ्टी आई टी यहाँ पर आज के दिन में जरूर गिरता हुआ दिखाई दिया बट अगर लॉकडाउन लगेगा तो आई का काम यहाँ पर घर से चल जाएगा कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर इस लेवल ये लेवल इंपॉर्टेंट है इस लेवल की तरफ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट और तीन पॉइंट्स की हो सकती है बट स्टिल यहाँ पर अच्छे प्राइवेट पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है गिरता यहाँ थोड़ी सी अगर गिरावट होती है अपॉर्चुनिटी बनेगी क्योंकि कोविड हुआ भी फिर भी एक कंपनियां यहाँ पर चेक काम करती हुई दिखाई देगी और रिजल्ट अच्छे आए थे तो इन पर्टिकुलर कंपनीज की तरफ ध्यान दीजिएगा दे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी हो चुकी है दो तीन चीजें दो तीन सेक्टर यहाँ पर रोटेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं एफ एम सी सी एज वेल एज यहाँ पर फार्मा एज वेल एज निफ्टी भी पर रिकव, भी रिकवर करता हुआ दिखाई देगा बाकी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी तो फिर निफ्टी बैंक में आती हुई दिखाई दे सकती है निफ्टी ऑटो में आती हुई दिखाई दे सकती है निफ्टी मेटल में थोड़ी बहुत आजी हुई दिखाई दे सकती है इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा तो ये ही पर्टिकुलर अगर इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की भी बात कर लेते हैं एक बार अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर गिरावट हुई है यहाँ पर भी इसी तरीके से तीन सौ बीस पॉइंट की गिरावट हुई है बट स्टिल यहाँ पर अभी ये अपने नीचे लेवल पर आए नहीं है ओके आएंगे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा गिरावट होगी क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के भी नंबर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे बट स्टिल यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो अगेन यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न इसी तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दे दे रही है और सॉरी अगर गिरता है तो यहाँ तक आ सकता है इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा यहाँ पर भी हजार पॉइंट की गिरावट आ सकती है है। इसके अलावा हम निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप हंड्रेड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगी यहाँ पर देख सकते हैं तो इधर भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर गिरावट होती है यहाँ पर से समझ जाता है मार्केट तो अच्छी बात है जो कि यहाँ पर समझ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी है क्योंकि पैसे अगर छप रहे हैं तो ये यह पैसे यहाँ पर आने भी है इंडिया में आएंगे बात है तो यहाँ पर आपके शेयर बट आपको सीखना क्या है कि आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है आपको जो पहले गलती करिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा वही करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करते रहिए पैसे जब तक बैंक में नहीं दिखेगा आपके अकाउंट में नहीं दिखेगा आपके ये शेयर बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है आपके डीमेट अकाउंट में पैसे नहीं दिखेंगे तो उसका कोई नहीं है तो इस चीज को याद रखिए यहाँ पर ये मस, यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है तो हजार दो हजार पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है और यहाँ पर तो हजार पॉइंट की गिरावट हुई है यहाँ पर देखे तो ये सारी की सारी यहाँ पर कैलकुलेशन थी लास्ट टाइम यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ से अगर गिरता है तो अच्छा खासा गिरावट हो सकती है बट अलग अलग प्राइवेट पॉइंट है तोड़ के दीर दीर यहां पर गिरावट हो सकती है तो यहाँ की तरफ ध्यान दीजिए तो जो भी यहां पर अगर गिरावट होती है तो अच्छे तरीके से अच्छे शेयर में हाँ पर इन्वेस्ट करना और वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा निकले निकाल के प्रॉफिट बुक करते रहना और जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ओके वहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अच्छी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में बनेगी तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हुए देख सकते हैं सो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए जितना हो सके सपोर्ट करिए आपके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर हम वीडियोस बनाते हैं और जितना सपोर्ट करेंगे और ज्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस